दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल टेक्निकल पकपक को और बेल आइकॉन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए जिससे हमारी हर अपडेट सबसे पहले आपको मिले। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। दोस्तों आज इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि VIP और VVIP क्या होते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप नहीं जानते हो या नहीं देखा हो आपने VIP लोगों को। ज़रूर आपके आसपास आपके शहर में VIP आप देखने को मिल जाते हैं। आमतौर पर VIP को हम परिभाषित गलत तरीके से करते हैं, हालाँकि VIP की परिभाषा उसके पद से मापी जाती है, लेकिन हमारे यहाँ पर आमतौर पर धन अगर आपके पास ज़्यादा है, पैसा आपके पास ज़्यादा है, तो भी आपको VIP कैटेगरी में रखा जाता है या VIP के नज़रिए से देखा जाता है। दोस्तों VIP इंसान को, जो VIP होता है उसको आम इंसानों की तुलना में अच्छी सुविधा दी जाती है। ख़ास तौर पे उन्हें गाड़ी ले जाने की इजाज़त होती है, फंक्शन में उन्हें सबसे आगे बैठने की इजाज़त होती है और सुरक्षा के लिए उन्हें प्राइवेट बॉडीगार्ड्स रखने की भी इजाज़त होती है। ऐसे लोग VIP कैटेगरी में आते हैं। और जैसा कि मैंने पहले बताया, आम लोगों से अच्छी फैसिलिटी जिन्हें दी जाती है उन्हें VIP माना जाता है, और VVIP यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन जो होते हैं उन्हें VIP की तुलना में भी ज़्यादा अच्छी सुविधा दी जाती है। इंडिया में अगर आप सांसद हैं, MLA हैं, MP हैं, विधानसभा के अध्यक्ष हैं, लोकसभा के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, IAS हैं, PCS हैं, ग्राम सभा के सदस्य हैं, तो आपको VIP कैटेगरी में या VVIP कैटेगरी में रखा जाता है। अगर आप सेलिब्रिटी हैं तो भी आपको इस कैटेगरी में रखा जाता है, और आपकी सुरक्षा के लिए SPG की सुरक्षा मुहैया कराई जाती है या फिर लोकल पुलिस की सुविधा प्रोवाइड कराई जाती है आपकी सुरक्षा के लिए। VIP और VVIP का मतलब खासतौर पे यही होता है। मुझे उम्मीद है कि जानकारी आपको अच्छी लगी, समझ में आई। अगर ये वीडियो और जानकारी आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलूँगा कुछ और जानकारियों के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए दोस्तों।